नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फिरकी आरक्षण पर चर्चा करने की वकालत। उन्होंने कहा, जो इसके खिलाफ हैं उन लोगों के बीच इस पर सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि उन्होंने पहले भी आरक्षण पर बात की थी, लेकिन इससे काफी हंगामा मचा और पूरी चर्चा वास्तविक मुद्दे से भटक गई। सुरभि कारबा नाम की लौकी छात्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के हाथ से अवार्ड लेने से किया इनकार। छात्रा ने सीजीआई गोगोई पर हाल ही में लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण ये फैसला किया है। सुरभि ने कहा कि जब सीजीआई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे तो यह संस्था पूरी तरह फेल रही थी और एक यौन उत्पीड़न के आरोपों वाले व्यक्ति से वो अवार्ड नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे में जांच के लिए 2 और हफ्ते का समय दे दिया है। सीबीआई ने कोर्ट से 4 और हफ्ते का समय मांगा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर मामले की जांच के निर्देश दिए थे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप से जुड़े 5 मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। अयोध्या मामले की सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी गई है। आज जस्टिस बोबड़े की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई को टाला गया है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट हफ्ते में 5 दिन सुनवाई कर रहा है, लेकिन आज जस्टिस बोबड़े के स्वास्थ्य कारणों के कारण सुनवाई को रोक दिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का आज 82 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले कई दिनों से जगन्नाथ मिश्रा का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। जगन्नाथ मिश्रा 1989 से 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। श्रीनगर में आज से स्कूल खुल गए हैं। करीब 14 दिन बाद घाटी में स्कूल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर सुरक्षा बलों के लिए शांत माहौल बनाने की चुनौती है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा लेने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। अब इमरान खान ने अपनी बौखलाहट भारत के परमाणु हथियारों के खिलाफ दिखाई है। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत के परमाणु हथियारों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये फासीवाद और जातिवाद हिंदू सुप्रीमो मोदी सरकार के नियंत्रण में है। इमरान खान ने मोदी सरकार की तुलना जर्मनी के नाजी शासन से की। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण हुए नुकसान पर राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि अब तक राज्य में 574 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और पिछले 2 दिनों में भारी बारिश और बाढ़ से 22 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे मानसून में अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ और भूस्खलन के बाद बादल फटने से उत्तराखंड में भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में रविवार को बादल फटने से 17 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के लिए पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की गलत योजनाओं को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को भी ब्याज दर बढ़ाने के लिए गलत ठहराया। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को एक अच्छा कदम बताया। ऑटो सेक्टर में मंदी का असर ऑटोमोबाइल कंपनियों की बिक्री और उत्पादन पर देखने लगा है। भारतीय ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस साल 1 अप्रैल से अब तक अपने 1500 अस्थायी कर्मचारियों को काम से हटा दिया है। इस साल जुलाई में भारत में पिछले 19 साल में ऑटो की बिक्री में सबसे तेज गिरावट हुई है। इस वजह से पिछले 2 से 3 महीनों में 15,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 135 अंकों की तेजी के साथ 37,485.62 पर खुला, तो निफ्टी ने 47 अंक ऊपर चढ़कर 11,094.80 पर की कारोबार की शुरुआत। हालांकि कुछ देर के कारोबार के बाद सेंसेक्स ने 200 अंकों की छलांग लगाई। हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में हो रहे लगातार प्रदर्शन और चीन द्वारा सैनिक गतिविधि तेज किए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दी है। ट्रंप ने चीन को धमकी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर तियानमेन स्क्वायर जैसी कार्रवाई हुई तो दोनों देशों के व्यापार वार्ता को बड़ा नुकसान होगा। अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म भूल भुलैया के सीक्वल में कार्तिक आर्यन आएंगे नजर। इसके सीक्वल का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। फिल्म की रिलीज डेट 31 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। हालांकि अभी तक फिल्म की अभिनेत्री का नाम सामने नहीं आया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।